तो अभी चलते हैं गाजीपुर के सबसे फेमस कह लीजिए या फिर बदनाम कह लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉम, क्योंकि यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट ने मिलके इस लॉर्ड कॉर्नवालिस टॉम की इतनी धज्जियाँ उड़ाई हैं कि अगर कोई भी सीनियर आपका यहाँ से निकलता हुआ आपको देख ले तो आपको गलत ही समझेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इसका जो टॉम्ब है काफी बड़ा है। ऊपर चलते हैं, कोविड का टाइम है, लोग आ नहीं रहे, खाली है, अच्छा है। यहाँ पे मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया हुआ है, ऊपर दिख नहीं रहा भाई साहब। पिलर कितने बड़े बड़े मोटे मोटे हैं। पता नहीं किस पर्पज से यहाँ पे पुलिस लोग आए हुए। कुछ तो चल रहा होगा। ये इसके आसपास ही ग्रीनरी है चारों तरफ, बड़ा ही खुशनुमा माहौल है। और एक बात बता देते हैं आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे यहाँ पे बहुत कह लीजिए बदनाम टाइप का है। यहाँ वही आते हैं जो कपल होते हैं, अगर यहाँ से निकलते किसी ने देख लिया आपको तो वही समझेगा कि ये है। बहुत ही बढ़िया हिस्टोरिक प्लेस है, बट यहाँ के लॉन्डो ने बिगाड़ दिया इसका इमेज। ये पिलर देखिए इतने मोटे से हैं, बहुत ही हैवी है, साफ नहीं आ रहा भाई। इसको दिखाते हैं, ये साफ दिख रहा है। पत्थर की दीवारें हैं, ये इधर का मेन एंट्रेंस गेट है, यहीं से आए हम लोग। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, ये इधर एक, ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है इधर, आप चाहें तो फैमिली के साथ आके यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे कोई आता नहीं है फैमिली के साथ, वो अलग बात है। फ्रंट से ऐसा दिखता है कुछ, सामने जब एंटर करेंगे तो आपको यही दिखेगा।
ऊपर रस्सी बांधी गई है पता नहीं किस पर्पज से। और यहाँ पे दिखाया गया है कि दो सिपाही हैं और वो थोड़े सैड से दिख रहे हैं, शायद यही रिप्रेजेंट किया गया होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के डेथ के बाद ये लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ पे उर्दू में लिखा गया सब, क्या लिखा गया पता नहीं। ऊपर बहुत बड़ी बड़ी खिड़की लगाई गई है पता नहीं किस पर्पज से, कोई रहता तो है नहीं, फिर कैसा वेंटिलेशन, चारों तरफ है, यहाँ भी है और इधर तो इतना बड़ा दरवाज़ा ही है, वहाँ सामने है खिड़की, दो खिड़की है और दो बड़े बड़े दरवाजे हैं। और यहाँ का ये मेन सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए, ये भाई साहब कब से लगे हुए हैं काटने में। उधर एक टॉयलेट है, ये काम नहीं करता है। इधर तो कुछ है नहीं, इधर बस फूल लगाया गया है, घास है, फूल है, कुछ है नहीं इधर। और ये है इसका बेसमेंट टाइप का, अंदर जाने के लिए नहीं है, बट इसका एक मान लीजिए जैसे घर में पिलर देते हैं बेसमेंट में, वैसा ही कुछ है सीन। तो चारों तरफ गोल गोल ही है और सब तरह चारों तरफ ऐसा ही है। इधर से देखिए क्लियर दिखेगा। और इस टॉम के चारों तरफ एक पेवमेंट बिछाया गया है और दोनों साइड से हरियाली के लिए फूल लगाए गए हैं और फूल की कटिंग चल रही है, वहाँ पे जो है गार्डनर हैं ये फूल की कटाई कर रहे हैं। और ये है कुछ टॉम, ये इसका चारों तरफ का पेवमेंट। तो देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर क्या था, उनके टाइम पे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। तो इनका टेन्योर था 1786 से लेकर के 1793, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था उसमें पहला था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। क्यों हुआ था आइए देखते हैं। जो सेकंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान को अंग्रेजी सिपाहियों को रिलीज करना था, जो कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे टीपू ने बंदी बना लिया था। तो टीपू बाद में अपने वादे से मुकर जाते हैं, अंग्रेजों ने बोला कि भाई रिलीज कर दो, टीपू बोले कि नहीं। ऊपर से और टीपू ने ट्रावेनकोर पे अटैक कर दिया, जो कि ब्रिटिशर्स का एक अलाई था। तो बस इतना ब्रिटिशर्स को काफी रीजन मिल गया एक बार फिर से मैसूर पे अटैक करने के लिए। 3 साल चला था युद्ध, इस जंग का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। फिर जाकर के एक और ट्रीटी होती है सेरिंगापट्टनम। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार,
1793। तो कॉर्नवालिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदारों की पुलिसिंग पावर खत्म कर दी, जुडिशियल पावर भी छीन ली साथ ही साथ, और तीसरा रूल था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों से नहीं पूछेगी कि तुम कितना टैक्स दे सकते हो, नीलामी नहीं करवाएगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जमीन का सर्वे करेगी, उस जमीन से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है ये अमाउंट एक बार फिक्स हो जाने के बाद कभी चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले के रूल के अकॉर्डिंग जमींदार तय करते थे कि कितना टैक्स देना है। बट यहाँ सीन थोड़ा चेंज हो गया है, अब केवल जमींदारों को ये था कि तुम टैक्स वसूलोगे किसानों से और ला करके हम लोगों को दोगे। इसमें दो चीजें फिक्स कर दी गई, एक रेवेन्यू अमाउंट और दूसरा रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो। तो 11% जमींदार को मिलता था और बचा हुआ 89% वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद लेती थी। अब इस सिस्टम में दिक्कत ये आने लगी थी कि कंपनी को टैक्स से मतलब था, वो जमींदार किसानों से कितना वसूल रहा है इससे कोई मतलब नहीं था। इसका साइड इफेक्ट ये आना स्टार्ट हो गया कि जमींदार अपने मन मर्जी के मुताबिक किसानों से टैक्स वसूला करते थे और किसान मजबूर थे टैक्स देने के लिए, तो वो कहीं भी जाकर के किसी भी मनी लेंडर से पैसा लेकर के दिया करते थे। तो इस तरह से किसान बर्बाद होते चले जा रहे थे, बट उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई मतलब नहीं था, उनको अपने केवल टैक्स से मतलब था। तो अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे जमींदारों का क्या स्टेटस था। तो परमानेंट सेटलमेंट के बाद जमींदारों को जमीन के मालिकाना हक मिल गए थे, जमीन को वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं, चाहे जो मर्जी करे, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मतलब नहीं था, बस उनको मतलब था केवल अपने टैक्स से। जिस दिन टैक्स आना बंद हुआ उस दिन जितना भी जमींदारी का राइट था वो सब छीन लिया जाता था। एक दिन फिक्स रहता था कि इस दिन आकर के आपको टैक्स देना है, अगर आप उस दिन नहीं आते थे सूर्य ढलने तक तो आपका जमींदारी खत्म कर दिया जाता था। तो इसी रूल को बोला गया था सनसेट लॉ। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोअर ग्रेड्स कोर्ट्स एंड अपलेट कोर्ट्स। तो इसमें दो टाइप के कोर्ट हुआ करते थे, सिविल कोर्ट और दूसरा होता था क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट का हायरार्की देख लेते हैं, सबसे छोटा कोर्ट होता था उसको बोलते थे एडमिन कोर्ट, और दूसरे नाम से जाना जाता था मुंसिफ कोर्ट। इसमें 50 रुपए से कम के जो भी केसेस होते थे उनकी सुनवाई होती थी। दूसरा जो उससे ऊपर का थोड़ा कोर्ट था वो था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि दीवानी कोर्ट भी बोला जाता था। ये केवल इंडियंस के लिए था, इसमें यूरोपियंस को लेकर के कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसका जो जज होता था वो खुद एक अंग्रेज होता था। इसके ऊपर का एक कोर्ट होता था उसको बोलते थे प्रोविंशियल कोर्ट, और इंडिया में 4 प्रोविंशियल कोर्ट थे, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना। और जो सबसे सुप्रीम कोर्ट होता था वो सिविल कोर्ट का, वो होता था सदर दीवानी। अब देखते हैं क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की। इसमें जो सबसे छोटा कोर्ट होता था वो होता था तालुका, यानी कि तहसील लेवल का कोर्ट। इसमें जो जज होता था वो कोई एक भारतीय होता था जो कि एक दरोगे के पोस्ट पर रहता था। जो इससे ऊपर का कोर्ट था वो था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मूवेबल होते थे, और इसमें जज जो होता था वो कोई ब्रिटिशर होता था। जो एक इससे ऊपर का जो कोर्ट था वो था प्रोविंशियल कोर्ट, जो मैंने पीछे अभी बताया 4 प्रोविंशियल कोर्ट थे, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना, वही थे। और सबसे जो यहाँ पे सबसे जो ऊपर कोर्ट होता था वो होता था सदर निजामत, जिसका जज होता था गवर्नर जनरल खुद। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी कि जो भी एग्जाम होते थे सिविल सर्विसेज के वो स्टार्ट हुए थे कॉर्नवालिस के टाइम पे ही, लेकिन इसमें इंडियंस को कम्पीट करना अलाउ नहीं था। और इसी टाइम पे एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था बनारस में जोनाथन डंगन के द्वारा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। Run it up, no sleep, no rest. Might crash, might wreck, but first I stretch. Tryna run it up, I wake up, flex, I'm down.